छोटी सी आधे मिनट की कहानी है। एक लड़का गया, कौन गया, अनुष्क को ही पकड़ते हैं अपन, तो अनुष्क गया, ठीक है चलो, चंदन और अनुष्क दोनों गए, ठीक है। उन्होंने बाजार में बोला भैया बॉटल दे दो, उसने कहा कितने, बोले बाकी तुम खा गए जोमेटो स्विगी पे इस साल, इस महीने का पूरा जो हमारा बजट था, तो सस्ती से सस्ती निकाल दो। उसने 35-35 रुपए की दो बॉटल दे दी। लेकिन चंदन जो था, चंदन ने बोला भैया अच्छी तो चलेगी ना, बोला हाँ चलेगी, बोला भैया फूटेगी तो नहीं। अब वो दुकान वाला बोले 35 रुपए में जान लेगा क्या, बोला हाँ नहीं फूटेगी। फिर चंदन ने बोला कि भैया ऊपर उछाल के मारूंगा तो, बोला हाँ नहीं फूटेगी। उसने कहा ठीक है, वो घर आ गया। तो कितने की बॉटल लेकर आई लोग, 35-35। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में सबसे पहले लिख देंगे 35-35। फिर चंदन घर आया, चंदन घर आया तो उसने बॉटल फेंकी ऊपर, क्योंकि उसको तो दिमाग में वही घूम रहा था, टेस्ट तो करूं, उसको कांच की बॉटल थी वो, ठीक है चंदन है कुछ भी कर सकता है। तो चंदन ने फेंकी और अनुज के साथ गया था, ठीक है उसने भी चढ़ा दिया, बोला हाँ यार ट्राई करते हैं। तो ये सीधे, पैसे चंदन नहीं दिए थे इसीलिए, तो ये सीधे गई और क्या होगा हाल उसका, ये टुकड़े 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 होकर आ गए, ठीक है। तो बस ये सीधे गई, ये टुकड़े टुकड़े होकर आ गई, 35-35 लिख दिया, इसका उल्टा नंबर लिखते रहना आप, टाइम पास जितना करना है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम।